गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेनिंग प्रदेश। आज 25 सितंबर है। आज के लिए झारखंड करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, ये जो करंट अफेयर है, ऐसा आप बिल्कुल ना सोचें कि 6 महीने या फिर पिछले 1 साल के झारखंड के करंट अफेयर्स एक साथ हम लोग कंप्लीट कर लेंगे, उस समय काफ़ी दिक्कत हो जाएगी आपको। इसलिए ये जो है करंट अफेयर, ये डेली करने वाली चीज़ है, इसे आप डेली पढ़ा कीजिए ताकि जब आप एग्जामिनेशन में बैठें उसके पहले जब आपको रिकॉल करने का समय आए, जब रिकॉल करने का, तो आसानी से आप इन सब चीज़ों को रिकॉल कर सकें। और यही रीज़न है कि करंट अफेयर में जो क्वेश्चन प्रोवाइड किया जाता है, लेक्चर में जो क्वेश्चन प्रोवाइड किया जाता है, सेम क्वेश्चन उसके अलावा कुछ और भी क्वेश्चंस होते हैं, उसे टेलीग्राम में क्विज़ के माध्यम से प्रोवाइड किया जाता है, ताकि आप उसी दिन, सेम डे में जिस दिन लेक्चर देखते हैं, उसी दिन आप क्विज़ को अटेम्प्ट करके इन सब चीज़ों को आसानी से याद कर सकें। मतलब कि एक दिन का ये चीज़ है, मुश्किल से 10 से 15 मिनट, हार्डली आधा घंटा आपको देना पड़ेगा पढ़ के रिवाइज करने में। ओके, तो एक दिन में आधा घंटा 10-15 मिनट देना है और करंट अफेयर उस दिन का सेम डे में कंप्लीट कर लेना है, ठीक है। और ये जो है JSSC और JPC के जितने भी एग्जामिनेशन हैं जो कि JSSC और JPC कंडक्ट करती है, मतलब कि कोई भी एग्जामिनेशन जिसमें झारखंड से जुड़े क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, उन सभी एग्जामिनेशन के लिए ये लेक्चर इंपॉर्टेंट है। इस कंटेंट को इसी तरह से बनाया गया है। ओके, तो चलिए हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, आयुष्मान भारत योजना के तहत राज्य के कितने जिलों के सरकारी स्कूल के छात्र छात्राओं को उस स्कूल का हेल्थ एम्बेसडर बनाया जाएगा। देखिए, ये जो है टोटल 24 डिस्ट्रिक्ट हैं, ठीक है। इसमें से जो 5 डिस्ट्रिक्ट हैं उसे छोड़कर बाकी के कितने बसते हैं, 19। तो 19 डिस्ट्रिक्ट जो आते हैं ये आकांक्षी जिलों में आते हैं। तो इन सभी के सरकारी स्कूलों के 2-2 स्टूडेंट को इसमें शामिल किया जाएगा। मतलब कि यहाँ पर जो ऑप्शन आप देख रहे हैं, ऑप्शन डी, इसका सही आंसर है 19। मतलब कि 19 जिलों के सभी सरकारी स्कूलों को इसमें शामिल किया जाएगा और हर सरकारी स्कूल से 2-2 स्टूडेंट को लिया जाएगा। यहाँ पर आप देखिए, राज्य के 19 आकांक्षी जिलों के सरकारी स्कूल के 2 छात्र छात्राओं को उस स्कूल का हेल्थ एम्बेसडर बनाया जाएगा। इन दोनों को सबसे पहले किशोरावस्था में छात्र छात्राओं में होने वाले बदलाव, एग्रेशन, फिजिकल, सोशल, इमोशनल और मेंटल हेल्थ के बारे में जानकारी दी जाएगी। अक्सर ये होता है कि स्कूल में जो स्टूडेंट्स होते हैं, जो लड़के लड़कियां होती हैं, तो उस समय उन्हें ये बहुत ही ज़रूरी होता है कि उन्हें उस एज में जो भी चेंजेस आते हैं उसकी जानकारी दी जाए। यही जानकारी के अभाव में उनका पूरा विकास मेंटली या फिर जो भी आप कह लें, विकास नहीं हो पाता है। तो उस समय उन्हें इस तरह की नॉलेज की बहुत ही ज़रूरत होती है और ये देनी चाहिए। और यही रीज़न है कि इस तरह का स्कीम चलाया जा रहा है, ठीक है। इसके बाद इन जानकारियों को वे अपने स्कूल और दूसरे साथियों के बीच साझा करेंगे। हर स्कूल से 2 स्टूडेंट को ये समझाया जाएगा, सिखाया जाएगा। अब ये जाकर अपने स्कूल में बाकी स्टूडेंट्स को ये सब जानकारियां शेयर करेंगे। ओके, तो स्कूल में जिस प्रकार बाल सांसद और उसमें प्रधानमंत्री से लेकर मंत्री होते हैं, उसी तर्ज पर हेल्थ एम्बेसडर स्वास्थ्य संबंधी जानकारियां छात्र छात्राओं तक उपलब्ध कराएंगे। ये जो है ये उपलब्ध है। ओके, बच्चों को हेल्थ एम्बेसडर बनाना आयुष्मान भारत योजना के तहत ये शुरू किए गए विद्यालय स्वास्थ्य कार्यक्रम का ही हिस्सा है। इसके लिए हर सरकारी स्कूल के 2-2 शिक्षकों को मास्टर ट्रेनर के लिए ट्रेन भी किया जा रहा है। यह पहल झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में भी चलाई जा रही है। चलिए कुछ और जानकारियां, जैसे कि धनबाद, सरायकेला, खरसावां, देवघर, कोडरमा, जामताड़ा, ये जो 5 डिस्ट्रिक्ट हैं, इन 5 डिस्ट्रिक्ट को छोड़कर बाकी के सभी 19 जिले आकांक्षी जिले की सूची में आते हैं। भारत में कुल ऐसे 112 जिले हैं। ओके, हर साल इन जिलों के परफॉर्मेंस के आधार पर अलग से रैंकिंग की जाती है, जिसे कि डेल्टा रैंकिंग कहते हैं, जिसे कि नीति के द्वारा जारी किया जाता है, नीति आयोग के द्वारा जारी किया जाता है। ओके, चलिए सेकंड क्वेश्चन है, 23 सितंबर 2020 को विनोद बिहारी महतो की कौन सी जयंती मनाई गई है। ऑप्शंस क्या है, 90
95, 96, 97 या फिर 98। तो ऑप्शन सी 97th बर्थ एनिवर्सरी मनाया गया था। विनोद बिहारी महतो, जो लोग धनबाद से बिलोंग करते हैं वो लोग अच्छी तरह से जानते होंगे, और सिर्फ धनबाद की बात नहीं है, धनबाद से तो ये बिलोंग करते हैं इसलिए मैंने ऐसा कहा। यहाँ पर धनबाद में रिसेंटली एक यूनिवर्सिटी बनाया गया है जिसका नाम है विनोद बिहारी महतो कोलांचल यूनिवर्सिटी, जिसे शॉर्ट में कोलांचल यूनिवर्सिटी भी बोला जाता है। तो ये इन्हीं के नाम पर बनाया गया है। विनोद बिहारी महतो झारखंड के निर्माण में इनका काफ़ी बड़ा योगदान है, झारखंड मुक्ति मोर्चा इन्होंने इस्टेब्लिश किया था। चलिए कुछ चीज़ें यहाँ पर देख लेते हैं हम लोग इनके बारे में। विनोद बिहारी महतो का जन्म 23 सितंबर 1923 को धनबाद जिले के बलियापुर मंडल में हुआ था। धनबाद से करीबन 15 से 20 किलोमीटर दूर है बलियापुर, वहीं इनका जन्म हुआ था। विनोद बिहारी महतो पेशे से वकील थे, बाद में वे राजनीति में आए। 1956 को उन्होंने धनबाद से ही वकालत करना शुरू किया था। उन्होंने पहली बार चुनाव 1952 को झरिया से लड़ा लेकिन सफल नहीं हो पाए थे। ओके, थोड़ी सी खराश आ रही है, चलिए एक पॉइंट और रह गया है। चूंकि देखिए पॉलिटिक्स से जुड़े थे इसलिए ज़्यादातर जो पॉइंट्स हैं वो पॉलिटिक्स से ही जुड़े हुए हैं। यहाँ पर देखिए 1973 को उन्होंने झारखंड मुक्ति मोर्चा की स्थापना की। टुंडी विधानसभा क्षेत्र से वे 1980 से 1985 तक सदस्य रहे। 1990 को भी फिर टुंडी और सिंदरी से विधानसभा के सदस्य चुने गए थे। 1991 में गिरिडीह से लोकसभा के सदस्य चुने गए थे और 18 दिसंबर 1991 को उनकी मृत्यु हुई। तो ये डेट भी आप याद रखिए, 18 दिसंबर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी हाल ही में किस संस्थान के द्वारा रोबोटिक टचलेस डस्टबिन बनाया गया है? BIT सिंदरी, BIT मिश्रा, BIT पॉलिटेक्निक, BITT पॉलिटेक्निक। तो यहाँ पर देखिए BIT सिंदरी आप जानते हैं झारखंड की एकमात्र इंजीनियरिंग कॉलेज है, गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज स्टेट गवर्नमेंट का। ओके, BIT मिश्रा ये प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज है जो कि रांची में है, और BITT पॉलिटेक्निक ये है बिरसा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ट्रस्ट, यहाँ पर ट्रस्ट लगा हुआ है, ट्रस्ट पॉलिटेक्निक। तो इसका आंसर ऑप्शन डी है। ओके, चलिए देख लेते हैं इसके बारे में। अभी हाल ही में BITT बिरसा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ट्रस्ट पॉलिटेक्निक के द्वारा रोबोटिक टचलेस डस्टबिन बनाया गया है। इस मशीन का निर्माण संचार अभियंत्रण के विद्यार्थी और शिक्षकों के द्वारा किया गया है। इस मशीन को बनाने की लागत बहुत कम है और इसके इस्तेमाल करने का तरीका भी आसान है। इसमें अल्ट्रासोनिक सेंसर, मीटर और बकेट उपयोग में लाया गया है। ओके, चलिए फोर्थ क्वेश्चन है, झारखंड में अप्रैल से सितंबर तक प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत अभी तक कितने मैट्रिक टन चावल का वितरण किया जा चुका है? ऑप्शंस में है 750,000, 80,000, 75,000 या फिर 50,000। तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर बात की जा रही है चावल की, तो अगर चावल की बात की जा रही है तो इसका आंसर जो है ऑप्शन ए 750,000, ये सही आंसर है। ओके, और जो 80,000 आप देख रहे हैं ये इतना गेहूं है, 80,000 मैट्रिक टन गेहूं, लेकिन चूंकि चावल की बात की जा रही है तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। ओके, चलिए देखते हैं इसके बारे में। झारखंड में अप्रैल से सितंबर तक प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत अभी तक 750,000 मैट्रिक टन चावल और 80,000 मैट्रिक टन गेहूं का वितरण किया जा चुका है। इस योजना के तहत झारखंड के गरीब को अप्रैल से नवंबर महीने तक निःशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध कराया जा रहा है। भारत सरकार ने इस योजना में अब तक झारखंड को 3,000 करोड़ रुपये का खाद्यान्न आवंटित कर चुकी है। 3,000 करोड़ रुपए का खाद्यान्न अभी तक भारत सरकार झारखंड को आवंटित कर चुकी है। ओके, पांचवा क्वेश्चन है, केंद्र सरकार के नई निर्देशों के अनुसार अब राज्य सरकार अपने आपदा प्रबंधन कोष का कितना प्रतिशत तक कोरोना से जुड़े बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए इस्तेमाल कर सकती है? पहले जो लिमिट था ये 35% था। ओके, ऑप्शंस में 35, 50, 75, 100 दोनों हैं। 35 पहले था, अभी जो है 50 है। ओके, तो 35 में कंफ्यूज नहीं करना है, 35 पहले था, अभी इसे 50 कर दिया गया, ऑप्शन बी। ओके, चलिए देखते हैं इसके बारे में। केंद्र सरकार की नई निर्देशों के अनुसार अब राज्य सरकार अपने आपदा प्रबंधन कोष का
50% तक कोरोना से जुड़े बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए इस्तेमाल कर सकती है। पहले राज्य सरकार अपने आपदा कोष का सिर्फ 35% तक ही कोरोना से लड़ने के लिए उपयोग में ला सकती थी, लेकिन कोरोना के बढ़ते दबाव को देखते हुए अब इसे बढ़ाकर 50% तक कर दिया गया है। ओके, छठा क्वेश्चन है, झारखंड में किस विश्व संस्थान के सहयोग से वर्तमान में 25 ग्रिड सब स्टेशन और 35 संचरण लाइन मतलब कि ट्रांसमिशन लाइन के निर्माण का कार्य पूरा किया जा रहा है। ओके, ऑप्शंस वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक या फिर यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट बैंक। तो इसका आंसर ऑप्शन बी, वर्ल्ड बैंक। चलिए देखते हैं इसके बारे में। झारखंड में वर्ल्ड बैंक के सहयोग से वर्तमान में 25 ग्रिड सब स्टेशन और 35 संचरण लाइन के निर्माण का कार्य पूरा किया जा रहा है। तो ये जो 132 किलोवोल्ट के 25 सब स्टेशन का निर्माण किया जा रहा है, इसका लिस्ट यहाँ पर दिया हुआ है, शिकारी पाड़ा, जरमुंडी, अमरापाड़ा, नगरोतारी, ये लिस्ट यहाँ पर दिया गया है। ओके, कुछ और चीज़ें हैं, चूँकि यहाँ पर वर्ल्ड बैंक की बात की गई है, तो वर्ल्ड बैंक की स्थापना जुलाई 1944, इसका जो मुख्यालय है ये वाशिंगटन डीसी में है, और अभी जो प्रेसिडेंट है वो डेविड मलपास हैं और मैनेजिंग डायरेक्टर अंशुला कांत हैं। ठीक है, चलिए लास्ट लेक्चर का जो क्वेश्चन था उसे हम लोग देख लेते हैं। राष्ट्रीय जल शक्ति मंत्रालय ने किस जिले को राष्ट्रीय जल शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया है? रांची, खूंटी, पूर्वी सिंहभूम, रामगढ़, ऑप्शंस थे, खूंटी इसका सही आंसर है, सभी लोगों ने सही जवाब दिया था। ठीक है, आज के लिए आपका क्वेश्चन है, झारखंड का कौन सा जिला है जहां से कैरेक्टर सर्टिफिकेट ऑनलाइन प्राप्त करने के सिस्टम की शुरुआत की गई है? ओके, तो इसका आंसर आप इन ऑप्शंस में से देखकर दे सकते हैं, रांची, बोकारो, धनबाद, पूर्वी सिंहभूम। आप अपना आंसर कमेंट करके बताएं, और वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर दें, अपने दोस्तों से शेयर किया कीजिए, क्योंकि जितने लोग हमसे जुड़ेंगे उतने ही ज़्यादा हमारे लिए ये मोटिवेशन का काम करेगा, उतने ही अच्छे अच्छे कंटेंट हम आपको देते रहेंगे। ओके, तो आप ये जो करंट अफेयर है झारखंड का, इसे आप डेली पढ़ा कीजिए, और जब आप लेक्चर देखते हैं तो ऐसा नहीं कि लेक्चर देख लिया कंप्लीट हो गया, शाम को जो टेलीग्राम में क्विज ऑर्गेनाइज किया जाता है उसे किसी भी हाल में अटेम्प्ट करना है। क्विज को अटेम्प्ट करने में कितना समय लगेगा? हार्डली 5 से 7 मिनट, 2 मिनट 3 मिनट यही टाइम लगेगा। तो जब आप क्विज अटेम्प्ट कर लेंगे तो जो भी आपने अभी पढ़ा लेक्चर में उन सारी चीज़ों को आप आसानी से रिकॉल कर पाएंगे बाद में। ओके, क्योंकि क्विज को अटेम्प्ट करने के साथ साथ ये सब चीज़ें आसानी से आपके माइंड में सेट कर जाएगा। ओके, चलिए मिलते हैं झारखंड के अगले वीडियो में, धन्यवाद।